teaching you active and passive voice. There are two types of sentences in English. One can be written in active voice and other can be written in passive voice. This first example is written in active voice. Here you have to pay attention to three things. Subject in the sentence, object in the sentence, verb in the sentence and then object in the sentence. ये active voice है, इसमें जो subject है वो शुरू में है और जब आप उसको passive voice बनाएंगे तो ये subject object बन जाता है, इसके साथ by लग जाता है, जैसे I object me होता है, उसके साथ by लग जाता है और ये end में पहुंच जाता है। और जो active voice का object है वो starting में आ जाता है subject बन के, क्योंकि you का subject भी you, object भी you होता है और subject भी you होता है, तो ये you का you रह गया। और फिर जो वर्ब है मेन वर्ब, उसका आपको टेंस फॉर्म पहचानना होता है, उसके हिसाब से आपको बी फैमिली वर्ब लगानी होती है। बी फैमिली वर्ब्स मैंने यहाँ पर लिख दी है क्योंकि ये यू है, प्रेजेंट टेंस ही बता रहा है ना, ये प्रेजेंट टेंस, तो यू के हिसाब से आपको आर चूज करना है। यदि यहाँ पर पास्ट टेंस होता, टीच की जगह डॉट होता, तो आप इनमें से कोई एक वर्ब यूज करते। और जो मेन वर्ब है ये, इसकी हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी चाहे कोई से भी टेंस हो। बस आपको ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब्स में, है ना, जो बी फैमिली वर्ब्स हैं प्रेजेंट टेंस में ये लगेंगी, पास्ट में ये लगेंगी, परफेक्ट में ये लगेंगी, प्रेजेंट परफेक्ट में और फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में ये लगेंगी। तो कुछ रूल्स मैंने आपको दे दिए हैं, उनको दोबारा से ध्यान से पढ़ेंगे और ये एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने की कोशिश करेंगे।